दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान एक ही बार जन्म लेता है और उसके बाद उसके जीवन का अंत मृत्यु के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। लेकिन बाइबल के अंदर कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जिनकी मृत्यु कभी भी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। इनमें से दो महान लोगों के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में बहुत ही रहस्यमय बातें लिखी गई है। आइए आज की इस वीडियो में हम इन तीनों लोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला व्यक्ति जिसकी मृत्यु कभी नहीं हुई, उसका नाम है हनोक। बाइबल में हनोक के बारे में सबसे पहले हम उत्पत्ति अध्याय 5 में देखते हैं। हनोक जो कि एरेद का पुत्र थे। उत्पत्ति अध्याय 5 उसका 21 से 24 में लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेला को जन्म दिया, और मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोस्तों, हनोक परमेश्वर के भय में चलने वाला पुरुष था। बाइबल में हनोक के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही आश्चर्य करने वाली और प्रभावशाली है। इसका मतलब कि हनोक कोई आम इंसान नहीं थे और उनका परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। हम इस बात को उत्पत्ति 5 उसका 22 में देखते हैं कि मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी कि सोचिए, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताया, और परमेश्वर ने हनोक को जीवित ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया, और यह बाइबल में पहला रैप्चर माना जाता है। जब हम इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक का परमेश्वर के ऊपर विश्वास और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही परमेश्वर को खुश कर पाया, और इसलिए परमेश्वर ने उसे मृत्यु को छूने नहीं दिया बल्कि जीवित ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया। दूसरा व्यक्ति है एलिया। दोस्तों, इसराइल के सबसे बुरे दिनों में परमेश्वर ने एलिया को बुलाया, और उस समय इसराइल में अहाब राजा का राज्य था। अहाब ने इसराइल पर 30 साल तक राज्य किया, और इन 30 सालों में इसने परमेश्वर के नज़र में बहुत अधिक बुराई की। इसने राजा एतबेल की बेटी इजेबेल से शादी की, जो कि बाल देवता की पूजा करती थी, और जिसके कारण अहाब ने भी बाल देवता की पूजा की, और उसने इसराइल में जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है उस बाल देवता के लिए भवन निर्माण किया, जिसके कारण परमेश्वर का प्रकोप इसराइल पर आया। इसराइल के लोग भी अहाब के इस पाप के कारण परमेश्वर के प्रकोप को झेल रहे थे। लेकिन एलिया, जो कि इन सब बातों के विरुद्ध था, केवल वही था जो खुलेआम राजा का विरोध कर रहा था। एलिया एक निर्भय पुरुष थे जो सच्चाई को बताने से किसी से नहीं डरते थे। एलिया ने ही बाद में बाल देवता के पुजारियों को हराकर उन्हें मार दिया। एलिया को शायद पता था कि वह अब परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। आइए वचन के द्वारा हम देखते हैं। दूसरा राजा अध्याय 2 उसका 11 से 13 में लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ। जब दो अध्याय को एक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बता दिया था कि वह किस प्रकार इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। एलिया को परमेश्वर ने एक बवंडर के द्वारा
और आकाश में जीवित ही उठा लिया। इस बात का गवाह एलिशा बने जो उस समय एलिय्याह के पास थे। तीसरा और आखिरी व्यक्ति है मलकी सिदक। दोस्तों, मलकी सिदक बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे। इनके बारे में बाइबिल में बहुत ही कम वर्णन किया गया है। पुराने नियम की किताब में इनको सबसे रहस्यमय व्यक्तियों में से एक माना गया है, और साथ ही मलकी सिदक को सालेम का राजा और परमेश्वर का याजक भी बताया गया है। एक बार एलाम के राजा और तीन सहयोगी राजा पांच राजाओं के विरुद्ध युद्ध करने के गए जो मृतक सागर के प्रदेशों में शासन करते थे। चार राजाओं ने जीत हासिल की और सदोम और अमोरा से सामान, भोजन सामग्री और कई परिवार के साथ संपत्ति को भी लेकर गए। उत्पत्ति 14 उसका 13 से 16 में इस प्रकार लिखा है, तब एक जन जो भागकर बच निकला था उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे जो एस्किल और आनीर का भाई था उसके बाज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया, और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। अब्राहम जब युद्ध करके लौटा तब सदोम के राजा ने उसका स्वागत किया और बहुत धन उपहार देना चाहा, लेकिन अब्राहम ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह चाहता था कि उसकी सफलता और धन संपत्ति का श्रेय केवल परमेश्वर को दिया जाए। हालांकि अब्राहम को मलकी सिदक से रोटी, दाखमधु और आशीर्वाद मिला जो सभी उपहार से बढ़कर है। लिखा है उत्पत्ति 14 उसका 18 से 20 में, जब सालेम का राजा मलकी सिदक रोटी और दाखमधु ले आया, वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, तब उसने उसे आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो, और परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राहम ने उससे सब वस्तुओं का दसवां अंश दिया। मलकी सिदक सलेम का राजा था, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि आखिर मलकी सिदक सलेम कहाँ से आया, वह सच्चे परमेश्वर का याजक कैसे बना और अब्राहम को उसके बारे में कैसे पता चला। केवल एक बात हम जान पाते हैं कि मलकी सिदक सालेम में था। मलकी सिदक एक राजा और याजक दोनों था, जिसके कारण वो बाकी राजाओं से अलग और प्रतिष्ठित भी था। दोस्तों, मलकी सिदक बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्म और मृत्यु के बारे में बाइबल के अंदर कुछ भी जानकारी नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसकी मृत्यु के बारे में कई सारे अलग अलग विवाद भी होते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी इसका सटीक सबूत या जानकारी नहीं मिल पाया है कि मलकी सिदक की मृत्यु हुई थी या नहीं। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।